पचोरा में पत्रकार संदीप महाजन के साथ मारपीट हुई है। मारपीट के खिलाफ थाने पत्रकार संघ व थाने जिला पत्रकार संघ द्वारा माथे पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पचोरा के विधायक किशोर पाटिल द्वारा पत्रकार संदीप महाजन को गाली गलौज दी गई और उसके बाद में पत्रकार संदीप महाजन को बुरी तरह से पीटा गया, जिसे आप वीडियो में देख रहे हैं। इस विधायक की दबंगई के खिलाफ पत्रकार संगठन द्वारा आवाज उठाई गई और पत्रकार सुरक्षा कानून के तहत विधायक किशोर पाटिल के ऊपर कड़क कार्रवाई करने की मांग को लेकर जिला प्रशासन को निवेदन दिया। द्वारा मारा गया है, लगातार ये पहला मामला नहीं, इसके पहले भी शिंदे गुट के अनेक विधायकों ने जो है जिस तरीके से मारा लगातार सामने आ रहा है। थाने दैनिक पत्रकार संघ की तरफ से आंदोलन किया जा रहा है, क्या करना चाहोगे उसके बारे में? देखिए, हम लोग पत्रकार लोग है, वो हमारा जो कर्तव्य है वो कर रहे हैं। अगर उनको कुछ उससे दिक्कत थी तो उन्होंने जाकर हमारे पत्रकार के ऊपर गुनाह दाखिल करना मांगता था। वो संदीप महाजन है, वो जलगांव के है, वो अपना कर्तव्य कर रहे थे। उनको मारहाण करना ये अच्छी बात नहीं है, और ये जो हल्ले हैं वो दिन बे दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, इन्होंने उसकी गंभीर दखल लेनी चाहिए, और जो जिन्होंने मारहाण किया है उसके अंदर आमदार किशोर पाटिल है, उनके कहने के ऊपर मारहाण की है ऐसा सबका आरोप है, और किशोर पाटिल के ऊपर गुनाह दाखिल होना मांगता है। संरक्षण पत्रकार संरक्षण कायदे के अंतर्गत गुनाह दाखिल होना मांगता है। मैं तो कहूँगा कि उनको ऐसा मारा है, एकदम बुरी तरह से मारा है, तो उनके ऊपर 307 और पत्रकार संरक्षण कायदे के अंतर्गत गुनाह दाखिल होना मांगता है। यह हमारे ठाणे शहर दैनिक पत्रकार संघ की मांगनी है, और ये मांगनी के लिए हम अभी जिला अधिकारी को निवेदन देंगे। उसी तरह हम लोग मुख्यमंत्री अपने साहब है एकनाथ शिंदे साहब, उनको भी निवेदन देने वाले हैं। प्रसार माध्यम में विधायक ने साफ तौर पे कहा था कि जहां पर मुझे मिलेगा मैं उसको मारूंगा, और वही हुआ। जिस तरीके से संदीप महाजन ने भी कहा था कि मेरी जान को खतरा है, पुलिस प्रशासन ने भी इसके ऊपर ध्यान दिया, जिस तरीके से वो लगातार कह रहे थे वीडियो साझा करके, क्या लगता है कि हमें फेलर नजर आ रहा है इसके अंदर? नहीं, ये क्या है, अभी पॉलिटिकल पावर बढ़ रही है। कोई भी उठ के पत्रकार एकदम ईजी आदमी होता है, वो अपना पेन चलाता है, वो हाथ में लाठी लेता नहीं है, इसलिए उनको मार रहे हैं। अभी हम लोग जो पेन लेते हैं उनको भी लाठी लेने की जरूरत पड़ सकती है, और ये जो हो रहा है वो बुरा है, ये अच्छा नहीं है। तो पॉलिटिकल जो लोग हैं उन्होंने भी, उनका भी हम लोग काम करते हैं, उन्होंने अच्छी बात की तो हम लोग अच्छी प्रसिद्धि भी देते हैं। अगर वो बुरे करेंगे तो उनका वो बुरा जनता के सामने लाना हमारा कर्तव्य है, हमारे पत्रकार लोग करते हैं, और हमारा जो अभिव्यक्ति स्वतंत्र है जो हमको दिया है घटना ने, उस तरह से हम लोग काम करते हैं। हम लोग चौथा स्तंभ है, जैसा उनको अधिकार है वैसा हमको अधिकार है। हमारे अधिकार के ऊपर और हमारा अभिव्यक्ति स्वतंत्र के ऊपर उन्होंने घाला नहीं घालना मांगता है, ऐसी हमारी मांग है। थाने दैनिक पत्रकार संघ किस तरीके से आंदोलन जारी रखे? अभी तो हम आज निवेदन देंगे, मुख्यमंत्री साहब से निवेदन देंगे, अगर उसके बाद नहीं होता है तो हम धरना आंदोलन करेंगे। हम लोग मंत्रालय के सामने धरना आंदोलन करेंगे, और बड़ी तादाद में हम लोग उससे भी ज़्यादा तीव्र आंदोलन